नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है AGSKI 360 पर। डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें फिर से नज़रबंद किया गया है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिख रहा है कि CRPF की गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी है और साथ ही उनके दरवाजे पर ताले लगे की तस्वीर भी उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे अत्याचारों को सरकार छुपाना चाहती है और जिसका दोष वो हमारे ऊपर लगाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता महंगाई से परेशान है, लोग बेरोजगार हैं और लेकिन सरकार को ED और CBI खेलना है। ये दिन भर देश की जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने में व्यस्त रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। और गौरतलब है केजरीवाल का यह बयान मनीष सिसोदिया के चल रही CBI कार्रवाई के बीच आया है। सिंगर नेहा कक्कड़ ने रियलिटी शोज में रोने को लेकर और भावुक होने को लेकर के ट्रोल होने पर कहा है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और जो लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं उन्हें मैं फेक लग सकती हूँ, लेकिन जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे और मुझे फेक नहीं समझेंगे। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने कहा है कि रिसर्च होना चाहिए कि महिला खिलाड़ियों को पीरियड्स के दौरान किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और उस हिसाब से उनकी मदद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ऐसी समस्याएं पहले किसी से शेयर नहीं करती थी, अपने तक ही सीमित रखती थी, अपने कोच से नहीं कहती थी, लेकिन वो अब चाहती हैं कि इस बारे में रिसर्च हो और महिला खिलाड़ियों को मदद मिल सके। Zomato के स्वामित्व वाली कंपनी Blinkit ने शुरू किया है प्रिंटआउट डिलीवरी सेवा। और साथ ही अगर आप डिलीवरी लेना चाहें प्रिंटआउट्स के, तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पेपर्स प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आपको 9 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और अगर आप कलर प्रिंटआउट्स लेते हैं तो आपको 19 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा प्रति पेज। और अगर आप इसके अलावा 25 रुपये भी आपको देना पड़ेगा प्रिंटआउट्स के लिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर यूज़र ने लिखा कि हम प्रिंटर घर ही ले आएंगे। और अन्य ट्विटर यूज़र ने कहा कि इससे सस्ता तो हमारे जेरोक्स दुकानदार ही दे देते हैं प्रति पेज 1 रुपये में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में पहली बार शादीशुदा और माताएं ले सकेंगी भाग। इससे पहले केवल अविवाहित महिलाएं ही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले सकती थी। मिस यूनिवर्स पेजेंट में 18 से 28 वर्ष की महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सरकार ने दिल्ली समेत 23 एम्स के नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, स्मारकों व ऐतिहासिक घटनाओं पर नाम रखने को प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मांगे गए सुझावों पर अधिकांश एम्स ने नामों की सूची सौंप दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनके पास BJP का संदेश आया है कि वो आप तोड़ करके BJP में शामिल हो जाएं, जिस पर उन्होंने BJP को जवाब दिया कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूँगा लेकिन षड्यंत्रकारियों और भ्रष्टाचारियों के आगे नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ शराब नीति घोटाला मामला झूठ है और मैं जल्द ही न्याय पर आऊँगा। बीकानेर यानी राजस्थान में रविवार को रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई जा रही है, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AGSKI 360 और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए इसका चैनल भी। और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं आपके लिए हम क्या और जानकारियां ला सकते हैं।